लिंक्डइन एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू आप जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं जस्ट इन अ सेकंड। तो मैं सिंपली पहले लिंक्डइन खोलता हूँ और जाता हूँ मैं अपने अकाउंट में। जस्ट वेट, और जैसे ही ये हमारा आया, ओके यहाँ पे ओपन हो गया मेरा अकाउंट। और फिर मैं जाता हूँ यहाँ पे जॉब्स में, और यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा कोई भी जॉब फॉर इंस्टेंस जो मैं करना चाहता हूँ। और यहाँ पे मैं करता हूँ वर्ल्ड वाइड, देन सिलेक्ट सर्च और थोड़ा सा वेट जब तक ये ब्राउज हो जाए। ओके तो यहाँ पे आप देखें ना, डिफरेंट किस्म के मेरे पास ऑप्शन है अप्लाई करने के लिए। तो ये मैं जाता हूँ यहाँ पे इजी लिंक्डइन फीचर में, फिर मैं जाता हूँ इजी अप्लाई में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तकरीबन इजी अप्लाई के थ्रू जो हमारे पास पोस्ट है ना, वो है 4,52,076 अंडर 10 एप्लीकेंट। ये सारी पोस्ट है और मेरे नेटवर्क में ये, तो मैं सिंपली अप्लाई कर देता हूँ फिल्टर को। ओके तो यहाँ पे अब ये सारी की सारी अब मेरी फॉर इंस्टेंस अप्लाई हुई हुई है। तो टेक्निकल सपोर्ट ही उस जॉब से, ओके टेक्निकल सपोर्ट एंड टेक्निकल सपोर्ट, ये बेसिकली कनाडा की जॉब से और इनकी है क्या, ये कहते हैं कि इंस्टॉल कर और कॉन्फ़िगरेशन करनी है हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्राम, गिविंग रेगुलर मेंटेनेंस, प्रोवाइड असिस्टेंस। ओके ये तो काम हम कर सकते हैं। तो व्यू की है तकरीबन 204 में, एप्लीकेंट है इस जॉब में 44 में। सिंपली इसी अप्लाई कर देता हूँ और जो भी अपनी डिस्क्रिप्शन और सीवी वगैरह है वो अप्लाई होगी। और ये देखें आप, ये अप्लाई हो गया सिंपली टेक्निकल सपोर्ट इंटर्न में। उसके अलावा जॉब से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंटर्न, ये हवाई की जॉब से। ओके तो इसमें भी हम अप्लाई कर देते हैं इनकी, यार अब बस डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं। सिंपल सा अपना एड्रेस थोड़ा बहुत लिख के, वी आर टंडो जाम डोर डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद, अपना सिटी लिख के। और ये देखिए हैदराबाद आ गया, आप लिखें पाकिस्तान, देन नेक्स्ट। और ये मेरा कवर लेटर, तो चलो मैं वैसे ही अप्लाई कर रहा हूँ कोई आपको दिखाने के लिए कौन कवर लेटर अब ये सेंड करें इनको। तो सिंपली नेक्स्ट, और ये हो गया सॉरी ये हो गया अप्लाई यहाँ पे। और अब हम देखते हैं दूसरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंटर्न की जॉब, ये कहाँ पे है। ओके ये तो वो सारी आ गई वर्ल्ड वाइड में। अब आप देखेंगे ना, तो मैं बेसिकली किसी, ओके यहाँ पे तो वैसे अप्लाई कर देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। फॉर इंस्टेंस मैं जाता हूँ किसी खास कंट्री में, जैसा कि मैं जाता हूँ स्वीडन में फॉर इंस्टेंस। तो यहाँ पे जो भी है ना मैकेनिकल इंटर्न की, वो स्वीडन की आ जाएंगी। और लिंक्डइन फीचर तो वैसे भी अप्लाई हुआ हुआ है पहले से ही। ऑटोमोटिव सेंसर फ्यूजन एल्गोरिथम, इसमें करना क्या है वैसे, वी आर लुकिंग ऑटोमेटिव सेंसर फ्यूजन इन दिस रोल सॉरी फ्यूजन एल्गोरिथम रिसर्च। ओके ये तो यार तो सही है, यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं। और नेक्स्ट, फिर जो भी है, यस वीज़ा तो वैसे हमें चाहिए। ऑटोमेटिव एक्सपीरियंस तो मेरे पास है नहीं यार। सबमिट एप्लीकेशन, और भी बहुत जगह पे हम अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली प्रोटोटाइप डेवलपर, मैकेनिकल इंजीनियर, ओके ये कौन सी कंपनी है वैसे। अब ये कह रहा है कि जय मिजरी को अगर आप, इसने पोस्ट की है, तो अगर आप इनको, अच्छा इसने पोस्ट की है और रिक्वायरमेंट क्या क्या है इसकी, क्या रिक्वायरमेंट जो भी हो। अब ये देखें 5 ईयर्स ये मांग रहे हैं एक्सपीरियंस, फिर कौन सा टेंशन है। वैसे भी ये इंटरव्यू लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन अप्लाई करने में क्या जाता है तो ये हो गया अप्लाई यहाँ पे।
सेकंड हमारा, मैं लिखता हूँ स्वीडन को छोड़ते हैं, हम लिखते हैं एशियन कंट्रीज जैसा कि ताइवान। ताइवान को अगर मैंने लिखा ना तो ये देखें क्या आ गया, सिमुलेशन टीम मैनेजर न्यू टेप आई। ओके यहाँ पे तकरीबन 144 एप्लीकेंट ने तो पहले से ही अप्लाई कर दिया है यहाँ पे, तो नो प्रॉब्लम नो इशू। और रिसर्चर में पता नहीं क्या करना है, देखते हैं। ओके रिलेबिलिटी इंजीनियर सिमुलेशन टीम मैनेजर आर्टिफिशियल रिसर्च इंजीनियर सीवी डिज़ाइन इंजीनियर, ये कौन सा काम है। PDF is a seeking experience field application engineer team to serve as the primary contact for end users of software। यार इतनी सॉफ्टवेयर तो हमें भी आती नहीं, तो अच्छा ये अब देखें ना, जो कनेक्शन जो मेरे पास है वो जो काम करना होगा ना तो ये बताएगा कि ये आपका कनेक्शन पहले से ही है, इनके थ्रू अगर आप करना चाहें तो इनको PR कौन सेंड करें। अब यहाँ पे मटेरियल इंजीनियर की जॉब से तो आप सिंपली ईजी इंजीनियर और ये सबमिट कर दिया मैंने। अब देखते हैं सिंपली तकरीबन यार जितनी भी जगह में अप्लाई कर सके ना आप कर लें, अगर इंटरव्यू हुआ तो ठीक वरना खैर है, इंटरव्यू तो तकरीबन मेरा तो कभी नहीं हुआ यहाँ से। आप देख लें अगर आपका हो जाए, अगर टाइट सीवी है आपकी तो हो भी सकता है। लो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी ने की तो सबमिट कर दिया मैंने। और दूसरी जगह कौन सी है, ओके मैं अब अप्लाई करता हूँ इसके थ्रू PhD में। ओके मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ओके मैकेनिकल PhD ये मैं लिख लेता हूँ वर्ल्ड वाइड देखते हैं कौन सा आता है रिजल्ट। ओके ये कह रहा है साइंटिफिक हेमाटोलॉजिस्ट डिसऑर्डर रिसर्च एंड डेवलपमेंट समर इंटर्नशिप, ये काम की है वैसे ये मिथिल, आई थिंक मैंने अप्लाई कर दिया है यहाँ पे, अब नहीं किया, चलो इसमें तो बहुत मेहनत लगेगी अप्लाई करने में, सेव कर देता हूँ बाद में कर लूँगा। लेट इंजीनियर ये थ्योरेटिकल साइंटिस्ट स्टाफ इंजीनियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर कैलिफोर्निया प्रोफेसर। अब ये देखें ना जहाँ पे मेरी थोड़ी बहुत भी प्रोफाइल मैच हो रही होगी ना तो ये देखिए योर प्रोफाइल मैच इज दिस जॉब, तो कोशिश करके आप भी वहीं पे अप्लाई करें। अभी जो भी मैं अप्लाई करूँगा ना जॉब्स में वहीं पे अप्लाई करूँगा जहाँ पे मेरी प्रोफाइल मैच करी होगी थोड़ी बहुत, जैसा कि रिसर्च इंजीनियर। तो प्रोफेसर के लिए तो हम वैसे भी एलिजिबल तो नहीं है लेकिन फिर भी अप्लाई करने में क्या जाता है, ये है भी इंडिया में तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। यहाँ पे रिसर्च इंजीनियर पता नहीं कहाँ पे, ये रिले लीग दुरहम चप्पल हिलेरिया, चलो इसमें क्या जाता है अप्लाई करने में तो कोई इशू नहीं। अब ये मेरा कहता है कि यू हैव 7 आउटर रीच टॉप एप्लीकेंट, ओके चलो नेक्स्ट एंड हैव यू कंप्लीटेड यस नेक्स्ट, ओ ये कर दिया मैं सबमिट। ओके सो अब ये कम से कम से मेरी माना ये एप्लीकेशन को देखेंगे ज़रूर, माना पढ़ेंगे ज़रूर। अब ये यहाँ पे 7 एप्लीकेंट है और मुझे वीज़न आता भी नहीं है, फिर भी अप्लाई कर देता हूँ। कौन सा मुझे सिर्फ सिंपल सा सेंड तो करना है सिंपली, चलो इजी लिंक्डइन अप्लाई नेक्स्ट। पता नहीं क्या लिखा है यार इसमें, तो फिर अब ये तो मुझे पता नहीं है, पता नहीं क्या कह रहा है तो इसको चेक करना पड़ेगा पहले। वो इसको चेक करने के लिए ट्रांसलेट में जाएंगे हम और यहाँ पे इंटर टेक्स्ट पता नहीं क्या लिखा है इंग्लिश में, अच्छा यहाँ से तो पता चला नहीं, तो फुल ट्रांसलेट खोलते हैं हम तो अब शायद पता चल जाए प्लीज़। ओके हाउ मेनी ईयर ऑफ स्प्रिंग यूनिक्स, यार यूनिक्स तो पहले ही शायद यूज़ की भी थी मैंने, यूनिक्स क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है ना,
एक सेकेंड, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो नहीं से पता नहीं क्या है, तो इसको तो वो छोड़ देते हैं। ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बायो मेडिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी है साथ में, चलो फिर भी अप्लाई करने में क्या जाता है। ये सारी हमने कर दी है अप्लाई। और ओके, तो ये सिंपली सा ओके, सो मैं सिंपली कर देता हूँ नेक्स्ट। एंड मेरा सिटी हैदराबाद, पाकिस्तान वाला। एंड देन कवर लेटर, यार अब कौन अपलोड करे, एडिशनल इंफॉर्मेशन कवर लेटर ही में निकले। अच्छा, 150 कैरेक्टर आर फ्यूअर टेल अस अबाउट मेक्स यू यूनिक, ट्राई टू क्रिएट इट, से समथिंग। यार कैंसिल कर देता हूँ उसको मैं, कौन ये इतनी सारी चीज़ें लिखी। वैसे भी इनके हिसाब से तो मैं वैसे भी एलिजिबल नहीं। तो प्रोसेस डेवलपमेंट इंजीनियर यूएस में, यार यूएस वाले तो वैसे भी नहीं बुलाएंगे मुझे, फिर भी अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे। जस्ट लिटिल बिट वेट एंड देन प्रोसेस डेवलपमेंट इंजीनियर सबमिट माय एप्लीकेशन एंड देन ओके। रिसर्च सीनियर मैकेनिकल इंजीनियर, यहाँ पे आ गया सीनियर मैकेनिकल इंजीनियर है ट्रक्सन एरिया में। तो ये क्या कहेंगे मुझे, ओके ये नेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पे अप्लाई करने का फ़ायदा क्या है, फॉर इंस्टेंस में सॉलिडवर्क्स था तो वैसे मैंने पहले पढ़ा था कि आप फ्यूचर सॉलिडवर्क्स बेसिकली मैं 2 ईयर्स कर देता हूँ, वैसे भी अभी सॉलिड एज में ही मैं काम कर रहा हूँ। ओके, सबमिट कर दिया मैंने अपनी एप्लीकेशन को। तो अच्छा, अब आप देखेंगे ना मेरी अपनी जो होगी जीमेल, वहाँ पे हम जाते हैं, जो मेरी पर्सनल जीमेल है। तो सिंपली मैं जाता हूँ वहाँ पे और आपको दिखाता हूँ कि ये कम से कम मना प्रोफाइल को विजिट करते हैं तो, और फिर अगर रिजेक्ट भी कर देते हैं ना। फॉर इंस्टेंस ये मैंने अप्लाई कर दिया था, यहाँ पे ये तो नहीं, ये तो इन्होंने अभी रिव्यू ही नहीं किया। लिंक्डइन योर एप्लीकेशन वाज व्यूड, ये देखे ना योर एप्लीकेशन व्यू हुआ है, कम से कम ये एप्लीकेशन मना व्यू करते हैं। अगर आप कई सीवी वगैरह चाहिए हो तो हो सकता है आपसे इंटरव्यू भी हो। सो थैंक्स अ लॉट।